हे एवरीवन, दिस इज द फोर्थ सीरीज ऑफ योर एमसीक्यू। और ये जो फर्स्ट चैप्टर था ना, द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी के ही हम फोर्थ एमसीक्यू की सीरीज में अब प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इज, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। जब ऑप्शंस मिल जाएंगे उसके बाद आपको वीडियो पॉज करना है, आराम से रीड कीजिए, देन आंसर कीजिए। सो यहाँ पे बोला गया है कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अन एक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। तो कौन सा मेजर, इन सब में कौन सा मेजर जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो राइट आंसर इज रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज योर फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज, इन प्लांट सेल डिविजन अकर्स। अब पहले बोला है प्लांट्स को फोकस करा हुआ है, देन एनिमल्स को फोकस करा हुआ है। ठीक है, तो हमें दोनों को फोकस करके ही आंसर करना है। तो आपके ऑप्शंस रहे ये, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक कॉमा ये है, एक कॉमा ये है। ठीक है, इनमें बोला कि कॉन्टिन्यूस है दोनों में, और इसमें बोला कि कुछ सर्टेन एज तक होती है। तो आपको बताना है कि प्लांट्स में कब तक सेल डिविजन होती है और एनिमल्स में कब तक होती है। ठीक है, तो आंसर इज सेकेंड। तो प्लांट में आपने देखा होगा इनकी हाइट बढ़ती रहती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होती है, वाइल एनिमल की एक सर्टेन एज होती है, कुछ टाइम तक रहती है। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, समझ आ गया। देन कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कॉन्टिन्यूज इलस्ट्रेट द रोल ऑफ। अब बोला है कि नथिंग लाइव्स फॉर एवर, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, बट लाइफ स्टिल कॉन्टिन्यूज। ठीक है, तो इसमें से कौन सी रेलिवेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखती है? एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस है, मॉर्फोजेनेसिस है, रेप्लिकेशन है, या रिप्रोडक्शन है? सो योर राइट आंसर इज फोर्थ। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से लाइफ आगे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एक्सटेंड करना है लाइफ को तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, वेदर एनिमल्स, वेदर प्लांट्स, वेदर ह्यूमन बींग्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वहां पे क्या होनी चाहिए? रिप्रोडक्शन। चाहे एल्गी है आपका, चाहे अमीबा है। अब अमीबा वगैरह होते हैं, वो कैसे करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन? बाय व्हाट? दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सभी को क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर लाइफ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। इनमें से कौन सा है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है? इसमें बोला गया है, एक पे बोला है म्यूल, एक पे बोला है वर्कर बीज, एक बोला है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अब ये वर्कर बीज क्या होती है ना, जो हनी बी होती है ना, उसमें फर्दर कम्युनिटीज बनी होती है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन। उसमें एक क्वीन होती है, कुछ ड्रोन्स होते हैं, और बहुत सारे वर्कर बीज होते हैं। वर्कर के नाम से पता लग रहा है, जो मतलब आपका नेक्टर लेके आती है फ्लावर से उठा के, वो कौन होती हैं? दैट इज योर वर्कर बीज। और जो रिप्रोड्यूस करती हैं, दैट इज योर क्वीन बी, एंड ड्रोन जो होते हैं दे आर द मेल। यहाँ पे क्वीन जो होती है दैट इज फीमेल, ड्रोन जो होता है दैट इज मेल, एंड वर्कर बीज आर फीमेल्स अगेन। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल मतलब स्टरिलिटी आ गई है, तो ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस बट देयर वुड बी नो फ्यूजन। तो ये सारे ही क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन का तो मेन पर्पज ये होता है ना कि टू प्रोड्यूस एन नेक्स्ट जनरेशन, टू प्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो दैट इज योर म्यूल, वर्कर बीज, एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, तो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो बोलते कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेगमेंटेशन से होते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अर्थवॉर्म होती है फ्रेगमेंटेशन से, तो जिसको पता था नहीं होती है, तो दो ऑप्शन तो यहाँ भी सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन रहता है थर्ड और फोर्थ। तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा दैट इज योर थर्ड वन, दैट इज योर थर्ड वन। फंगस, फिलामेंटस एल्गी होगी, प्रोटोनिमा हो गया आपका, ये जो अमीबा होता है ना, ये करता है बाया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वैसे ही हाइड्रा बैक्टीरिया में तीन चार टाइप की रिप्रोडक्शन होती हैं, बट जो अपनी फ्रेगमेंटेशन वाली है वो नहीं होती। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो उन फ्रेगमेंटेशन की वजह से, उस फ्रेगमेंट फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म वहां पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज थर्ड, दैट इज फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। ठीक है, जो जी सिक्स्थ क्वेश्चन पे, विच टू ऑफ द बिलो
गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के लिए उनको बोला जाता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, मास में इंक्रीज या इंडिविजुअल का जब नंबर इंक्रीज करता है, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर डिफरेंशिएशन. सो योर राइट आंसर इज व्हाट. अब यहाँ पे देखना, ठीक से पढ़ना क्वेश्चन को. ट्विन लिखा है, ट्विन मतलब दो, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको ठीक मिलेंगी. तो योर राइट ऑप्शन इज ए. ए में कौन कौन सी आई, फर्स्ट एंड द सेकेंड वन. सो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही, दैट इज ग्रोथ. और सेल्युलर ऑर्गेनिज्म और सेल्युलर डिफरेंशिएशन जो बोली है, अब यहाँ पे बोला सेल्युलर, तो सेल्युलर बोला है अगर, तो सेल्युलर मतलब सेल लेवल पे, ठीक है, दैट इज बेस्ड ओनली ऑन द सेल लेवल. तो ये ऑप्शन जो हो जाती है यहाँ पे इनकरेक्ट. ठीक है, नाउ कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स, दो कॉलम दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उन दोनों को मैच करना है. एक तरफ आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम दे दिए हैं ये वाले, और ये आपको दे दिए हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब आता है वॉच, प्लेनेरिया, फंजाई, ईस्ट, मीबा, आपको मैच करना है कि किसके साथ मैच करेगा ये. ठीक है, अब ये प्लेनेरिया होता है ना, जिसको इसके बारे में पता है, जिसने लेक्चर ठीक से सुने हैं, मैंने एक बार जिक्र भी करा था प्लेनेरिया के बारे में. तो प्लेनेरिया में क्या होता है, जैसे इसकी बॉडी होती है कुछ इस तरह से, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ, इस तरह से होती है इसकी बॉडी. ठीक है, अगर ना ये यहाँ से टूट जाता है, 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 तो ये वाला पोर्शन भी एक न्यू प्लेनेरिया बना देगा. ठीक है, ये वाला पोर्शन भी एक न्यू प्लेन एरिया बना देगा, ये वाला पोर्शन भी एक न्यू प्लेन एरिया बनाएगा, ये भी, तो इसको बोलते हैं ट्रू फ्रेगमेंटेशन टाइप. ठीक है, ये होती है ट्रू फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे हर एक पार्ट क्या बना रहा है, आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रेगमेंटेशन. सो योर राइट आंसर इज बी. अगर आपको ए का पता होता ना, यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन थी बी, तो आप बाकियों को क्या कर सकते हो, बाकी ऑप्शन को ईजीली एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना था, ट्रू फ्रेगमेंटेशन. अब देखो आप कईयों ने क्या किया होगा, बी को मैच किया होगा फटाफट वी से, फ्रेगमेंटेशन पिछले क्वेश्चन में तो पढ़ा भी कि फंगस में क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है. ठीक है, दे रिप्रोड्यूस वाया फ्रेगमेंटेशन. बट यहाँ पे क्या हो गया, अब जिसको ए का पता था ना, वो तो उसने तो कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड से अटैच है, एसेक्सुअल स्पोर, स्पोर की तो कोई फॉर्मेशन ही नहीं है ना प्लेन एरिया में, तो ए तो हो जाता है सीधा गलत. तो इस तरह से बाकी ऑप्शंस भी एलिमिनेट किए जा सकते हैं. ठीक है, तो आपका जो प्लेन एरिया था, दैट इज गोइंग टू मैच विद ट्रू फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, किससे मैच हो गया, ट्रू फ्रेगमेंटेशन. आपका फंजाई है, फंजाई आपका मैच कर जाएगा विद एसेक्सुअल स्पोर्स, और ईस्ट है, ईस्ट आपका मैच, यहाँ पे फंजाई दोनों के साथ हो जाएगा ना, ये फंजाई एसेक्सुअल भी और फ्रेगमेंटेशन के साथ भी. ठीक है, उसके बाद आता है आपका ईस्ट, तो ईस्ट होता है आपका बडिंग के साथ, एंड फिर आता है आपका अमीबा, अमीबा आपका हो जाएगा विद बाइनरी फ्यूजन. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ दिस इज योर एट्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई इज करेक्ट. सो दीज आर योर फोर ऑप्शंस, इनको आराम से पढ़ो, एक बार वीडियो पॉज कर लो. ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करी थी. तो योर राइट आंसर इज फोर्थ, सारे ही क्या हैं, करेक्ट हैं. वाई, क्योंकि देखो क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बाहर अगर एयर है, तो ये सारे क्या करते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सभी स्टिम्युलाई को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे. या अगला बोलता है कि जो प्रोकैरियोट्स से लेके यूकैरियोट्स तक हम देखें, तो वहाँ पे उनमें टेंडेंसी होती है सेंस करने की, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई. कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है या कोई स्मेल आती है पर्टिकुलर, तो उनमें टेंडेंसी होती है. देन कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो येस, कॉन्शियसनेस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट. नाइन्थ क्वेश्चन इज, फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स बिकॉज वाई. सो दीज आर योर फोर ऑप्शंस, एंड यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड रिस्पॉन्ड टू द आंसर. सो योर राइट आंसर इज
फर्स्ट दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, ठीक है. सो योर राइट आंसर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव. नाउ कम्स टू द 10th क्वेश्चन. की इज अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ई स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड. अब जिसने दो ना की वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ा होगा ना, वहां पे क्या बताया जाता है, दो तीन टर्म्स थी उसमें. उसमें बोला जाता था कि अगर एक स्टेटमेंट की बात करी जाए, कि ईच स्टेटमेंट पूछी जाए की के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, या अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है. तो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम था. तो अब देखते हैं कौन कंफ्यूज होगा कौन नहीं. सो राइट आंसर इज लीड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, लीड. एंड यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, कपलेट, ठीक है. तो ये दोनों चीजें जो हैं वो याद करके रखनी है. ये एक क्वेश्चन बहुत रैंडम आता है इसमें, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 10 क्वेश्चन ऑफ द डे. जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, उतना ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है. आपकी एक हैबिट बन जाती है एमसीक्यू सॉल्व करने की. तो शॉर्टकट में हो सके तो लिख भी लिया करो. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यू. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.